यस माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो जिसमें हम जानेंगे प्रवर्तन का अर्थ और प्रवर्तन मिश्र ये दोनों क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट हम जानते हैं प्रवर्तन। हम जानते हैं कि हर एक कंपनी या हर एक उपक्रम में जब कभी कोई वस्तु बनती है तो उसकी बिक्री के लिए अनेक उपायों को अपनाया जाता है। ठीक है, वो सभी तरीके के उपाय को अपना लेता है लेकिन जितनी उसे आशा होती है अपनी वस्तु की बिक्री को लेकर उस तरीके से उस कंपनी की वस्तु की बिक्री नहीं हो पाती। इसका कारण क्या है? संप्रेषण का न होना। तो यहाँ पे प्रवर्तन का अर्थ है कि वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए वस्तु से संबंधित जो संप्रेषण मतलब जो बातचीत होती है जनता तक उसकी सूचना जो पहुँचानी होती है उसे प्रवर्तन कहते हैं। और जनता तक सूचना पहुँचाने के लिए आप जिन स्रोतों का जिन तकनीकों का जिन माध्यमों का प्रयोग करते हो विज्ञापन का प्रसार का विक्रय संवर्धन का वो सब प्रवर्तन मिश्र कहलाते हैं। ठीक है, आया समझ में? वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए किया जाने वाला संप्रेषण मतलब बातचीत प्रवर्तन कहलाता है और इस बातचीत के लिए हम जिन माध्यमों को अपनाते हैं वो प्रवर्तन मिश्र कहलाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब हम देखते हैं कि इस समझी हुई बात को लिखना किस तरीके से है या हम इसे कैसे लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रवर्तन का अर्थ देखते हैं। लिखा है एक कंपनी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु का उत्पादन कर सकती है, इसकी उचित कीमत निर्धारित कर सकती है, इन्हें ऐसे बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध करा सकती है जो ग्राहकों के लिए सुगम हो। क्या बोला? अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु बना ली, सही कीमत निर्धारित की जिससे समाज के दोनों वर्ग धनी और निर्धन मतलब अमीर और गरीब दोनों वर्ग खरीद सके, ऐसे केंद्र पर उपलब्ध कराया जहां से ग्राहक उस वस्तु को आसानी से खरीद ले। लेकिन इस पर भी हो सकता है कि बाजार में माल की बिक्री अच्छी न हो क्योंकि बाजार से उचित संप्रेषण की आवश्यकता रह गई हो। वहां पर वो बोल रहा है इतने सारे काम होने पर भी हो सकता है वस्तु की बिक्री न हो क्योंकि वहां संप्रेषण की आवश्यकता हो, इस वजह से बिक्री ना हो। अतः दो उद्देश्य ग्राहक को वस्तु के संबंध में सूचित करने तथा इन्हें खरीदने के लिए तैयार करने के लिए संप्रेषण का उपयोग करना प्रवर्तन कहलाता है। वो बोल रहा है कि दो उद्देश्य कौन कौन से? ग्राहकों को वस्तु के संबंध में सूचना देना और दूसरा वस्तु को खरीदने के लिए उन्हें तैयार करना, इन दोनों बातों के लिए संप्रेषण करना जो संप्रेषण प्रवर्तन कहलाता है। दूसरे शब्दों में प्रवर्तन विपणन मिश्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके माध्यम से विपणनकर्ता बाजार में वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं या विभिन्न तकनीकों का को अपनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रह गया तो हम लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पे तकनीकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे समझ में? विपणनकर्ता कौन है? वस्तु की बिक्री को बढ़ाने वाला, वस्तु को ग्राहक की दृष्टि से सही बताने वाला या ग्राहक को संतुष्ट कराना किसी वस्तु को लेकर, तो उसे हम कहते हैं विपणन। और जो व्यक्ति इस काम को करता है वो विपणनकर्ता कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं प्रवर्तन मिश्र क्या है। प्रवर्तन मिश्र से अभिप्राय संगठन द्वारा अपने संप्रेषण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रवर्तन तकनीकों को मिलाकर प्रयोग करना ये तकनीक है। विज्ञापन, व्यक्तित्व विक्रय, विक्रय संवर्धन एवं प्रचार। प्रवर्तन वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए, ग्राहक को वस्तु की सूचना देने के लिए और वस्तु खरीदने के लिए तैयार करना प्रवर्तन। प्रवर्तन मिश्र इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिन माध्यम को आपने अपनाया वो प्रवर्तन मिश्र है। जैसे यहाँ विज्ञापन बोला, विज्ञापन यहाँ बोला तो यहाँ विज्ञापन का अर्थ क्या है? वी प्लस ज्ञापन। वी का मतलब विशेष, ज्ञापन मतलब सूचना, कि किसी वस्तु विशेष के संबंध में सूचना देना विज्ञापन है। व्यक्तित्व विक्रय, विज्ञापन अव्यक्तिगत होता है, विज्ञापन में व्यक्ति स्वयं उपस्थित नहीं होता, उसकी बात जनता तक जाती है पैम्पलेट के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से। और व्यक्तित्व विक्रय में स्वयं उपस्थित होकर ग्राहक को किसी वस्तु को क्रय करने के लिए क्या करना? प्रेरित करना। विक्रय संवर्धन,
विक्रय मतलब क्या है? वस्तु की बिक्री। संवर्धन मतलब उसको बढ़ाना, कि वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए जो आप इनामी योजना रखते हो, कूपन रखते हो और प्रतियोगिताएं रखते हो। जैसे कि हम मेले में जाते हैं तो वहां पे नहीं देखते ऐसे रिंग डालना हो किसी वस्तु के अंदर, और जिस वस्तु के अंदर रिंग जाती हो वस्तु हमें मिल जाती हो, प्राइस हमें मिल जाती है, या फिर किसी वस्तु के हमें एक्स्ट्रा 50% फ्री मिलती है या 20% छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है। तो ये सब विक्रय संवर्धन होते हैं, वस्तु की बिक्री को बढ़ाने वाले स्रोत हैं। एंड प्रचार का मतलब होता है यहाँ पर कि किसी वस्तु की सूचना देना, विज्ञापन। प्रचार में भी किसी वस्तु की सूचना दी जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य प्रचार में यह होता है कि जनता का एक जो बड़ा समूह है उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना प्रचार कहलाता है, उनकी मानसिकता को बदलना, वस्तु को लेकर उनकी राय जो विचार है उनको बदलना प्रचार कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो फिर आगे लिखा है, इन तकनीकों को प्रवर्तन मिश्र के तत्व भी कहा जाता है। प्रवर्तन मिश्र के तत्व, घटक या कारक। कभी पूछ लिया जाए प्रवर्तन मिश्र क्या है, इसके तत्व बताइए या इसके घटक बताइए, तो आप लिख सकते हो विज्ञापन, व्यक्तित्व विक्रय, विक्रय संवर्धन और प्रचार। ये चार तत्व है, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे चाहे चार नंबर के क्वेश्चन में पूछे। अब आगे देखो, आगे लिखा है यहाँ पर कि इन तकनीकों को प्रवर्तन मिश्र के नाम से जाना जाता है, तथा प्रवर्तन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इनके विभिन्न श्रेणियों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जो इकाइयां उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रही है वह विज्ञापन का अधिक प्रयोग कर सकती है, ठीक है, जबकि जो फर्म औद्योगिक वस्तु का विक्रय कर रही है वह व्यक्तिगत विक्रय का प्रयोग करती है। फर्म इन तत्वों को किस प्रकार से समावेश कर उपयोग करेगी यह अनेक तत्वों पर निर्भर करेगा, जैसे बाजार की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति, प्रवर्तन का बजट, प्रवर्तन के उद्देश्य आदि। कुल मिलाकर उसने बोला कि इसके जो तत्व है विज्ञापन, व्यक्तित्व विक्रय, विक्रय संवर्धन और प्रचार, ये चारों ही तत्वों को, इन चारों ही घटक या कारक को कब अपनाए कोई भी व्यक्ति, ये इनके काम पर डिपेंड करता है। प्रवर्तन मतलब संप्रेषण, कि आपको संप्रेषण ऐसा बड़े पैमाने पर करना है तो विज्ञापन को अपनाओ, कहीं क्षेत्र विशेष में करना है तो प्रचार को अपनाओ, ठीक है। विक्रय संवर्धन करना है तो समय समय पर कुछ नया आयोजन के माध्यम से, कुछ त्यौहार के माध्यम से आप डिस्काउंट देकर या अतिरिक्त छूट देकर या अतिरिक्त वस्तु जो वस्तु है उसके अतिरिक्त मात्रा बढ़ाकर, ऐसे इन माध्यमों को, इन तकनीकों को अपनाने के लिए आपको अलग अलग अवसरों की खोज करनी होगी, फिर आप इन तकनीकों को अपनाकर वस्तु की बिक्री को बढ़ा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया समझ में प्रवर्तन और प्रवर्तन मिश्र का अर्थ और इसके तत्वों का अर्थ, ठीक है। अब फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो कोई बात नहीं, उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स दिया गया है उसमें लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।